हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 12, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 12A से, फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कन्वर्ट 3.6 किलोमीटर पर आर टू मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे कन्वर्जन क्या होती है। अगर हमें कोई स्पीड किलोमीटर पर आर में दी है तो मीटर पर सेकेंड में कैसे बनानी है, और मीटर पर सेकेंड में है तो किलोमीटर पर आर में कैसे बनानी है। अब यहाँ देखिए, हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है कन्वर्ट 3.6 किलोमीटर पर आर टू मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, सबसे पहले हमें किलोमीटर से मीटर में जाना है। तो अब आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और आर को अगर कन्वर्ट करें तो 1 आर में होते हैं 3600 सेकेंड। तो इसका क्या मतलब होता है, ओवर, मतलब ये डिवाइड हो रहा है। तो आपको 3.6 किलोमीटर पर आर को क्या बनाना है, मीटर पर सेकंड। तो हमें क्या करना है, आपको याद रखना है, जब भी हम किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो हमें क्या करना होता है, 1000 से मल्टीप्लाई एंड ये डिवाइड है 3600 से डिवाइड। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, हमारा आर कन्वर्ट हो गया सेकंड में जब हमने 3600 यहाँ पे लिख दिया है। देन अब यहाँ पे 20 से जीरोस कट गई हमारी। देन अब यहाँ पे हम डेसिमल हटा देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 36 / 10, डेसिमल की जगह 1 आ गया, पीछे एक डिजिट था 10, इंटू 10/36। आप यहाँ पे भी कटिंग कर सकते हैं, सीधा नीचे लिख के एक साथ भी कटिंग कर सकते हैं, 10 ones are 10 ones are 36 ones are 36 ones are। तो हमारे पास आंसर आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे हमने किलोमीटर आर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया है। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या करना है, आपको किलोमीटर आर को सेंटीमीटर सेकंड में कन्वर्ट करना है। देन अब क्या करेंगे, देखिए फिर से वही हम लिखेंगे, हमें पहले देखना होता है कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर्स होंगे। तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर और 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। हमें किलोमीटर से किसमें कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। तो इट मीन्स 1 किलोमीटर में कितने होंगे, 1000 × 100 सेंटीमीटर। देखिए सबसे पहले 1 किलोमीटर में हमने 1000 मीटर लिखे, 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 1000 मीटर में कितने होंगे, 1000 × 100। तो 1000 × 100 टोटल आ जाएगा हमारा किलोमीटर। सेंटीमीटर्स में हमने कन्वर्ट कर लिया किलोमीटर को। देन जो अपना सम सेम कर रहे हैं वैसे ही करेंगे, हमें 54 किलोमीटर पर आर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर पर सेकेंड। देन आर से सेकेंड का कन्वर्जन यूनिट वही रहेगा। तो आपको क्या करना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, लास्ट क्वेश्चन में किलोमीटर्स को मीटर में बनाया था तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया था, और अब हम सेंटीमीटर में बना रहे हैं तो हम 1000 × 100, आप इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं, एक ही साथ लिख सकते हैं पूरा मल्टीप्लाई करके, या इंटू 100 डाल के भी कर सकते हैं। नीचे तो आपका 3600 ही आना है। और आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आप किलोमीटर आर से मतलब आर टू सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 3600 नीचे लिखना है। तो यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं, 20 से 20 हमारी यहाँ पे कट गई। देन 2 के डबल में कटिंग कर सकते हैं, 2 ones are 2 8s are 16, 2 twos are 4 2 sevens are 14। देन 3 के डबल में, जो 9 के डबल में भी जा सकते हैं, 9 threes are 27, 9 twos are 18, 2 ones are 2 2 fives are 10, 2 zeros। देन क्या बच गया हमारे पास, ऊपर नीचे सारी कटिंग हो गई है, ऊपर है 3 and 500। तो 500 × 3 क्या आ जाएगा आपके पास, 1500। तो हम अपना आंसर क्या लिखेंगे, 1500 cm/s। अब देखिए थर्ड पार्ट में हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर आर बनाना है। तो मीटर से किलोमीटर बनाने है, 1 जब भी छोटा यूनिट होगा तो अब देखिए, जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और अगर आपने 1 मीटर को कन्वर्ट करना है तो 1/1000 हो जाएगा, क्योंकि आप जब छोटे से बड़े यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड होता है, कन्वर्जन तो उनका सेम ही रहना है 1000 के साथ। 1 किलोमीटर 1000 मीटर होते हैं, अगर 1 मीटर को किलोमीटर बनाना है तो 1/1000 आ जाएगा। तो देन यहाँ पे हमें क्या करना है, 1000 नीचे और 3600 ऊपर, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड का साइन है। तो 60 × आपने ये याद रखना है, जब भी आप मीटर से किलोमीटर में जाएंगे तो 1000 नीचे लगाना है,
एंड जब आप किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1000 ऊपर आने हैं। जब बड़े से छोटे यूनिट में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं इसलिए ऊपर लगते हैं, और जब हम छोटे से बड़े यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं इसलिए हम नीचे लगाते हैं। तो ऊपर क्या आ जाएगा, आर का सेकेंड के साथ 3600 ही आना, तो यहाँ हमने लिख दिया 3600। अब देखिए ये 20 इससे कट गई, यहाँ पे इससे कट गई, आपको क्या करना है सिंपल 36 को 6 से मल्टीप्लाई, तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास आ गया 216 किलोमीटर पर आर। अब देखिए फोर्थ पार्ट में हमें सेंटीमीटर पर सेकंड से किलोमीटर आर बनाना है, ये तो सेम ही है, इसका 3600 ही आएगा, बस यहाँ पे हमें देखना है अब 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे। अगेन जैसे आपने यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया था हमने कि 1 किलोमीटर में 1000 × 100 होते हैं, तो ऐसे वो सेम नंबर बस डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, 1000 × 100 किलोमीटर्स बन गया। मैंने आपको अभी अभी समझाया है कि जब भी आप छोटे से बड़े यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करना होता है, तो जब आप 540 को कन्वर्ट करेंगे इसमें तो इस नंबर से तो डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई किससे होगा, 3600 से। वाई 3600, बिकॉज 1 आवर में 3600 ही सेकंड्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 20 से कट गई, 1010 से कट कर देते हैं, देन ये भी कटिंग हो सकती है 2 के टेबल में, यहाँ पे 250 एंड 218 29 225 आगे अभी कटिंग नहीं हो रही, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 54 × 9/25। तो हमारे पास इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, अब हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करके आ गया 486/25। अगर हम इनको डिवाइड कर देते तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 19.44। तो हमारे कितना आ गया हमारे पास कन्वर्जन करके 19.44 किलोमीटर पर आर। अब देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, हमें डिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ, टाइम भी दिया, और हमें निकालनी है स्पीड। अब हमने देखना है डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का आपस में क्या रिलेशन होता है। देखिए अगर हमें स्पीड फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और अगर हमें टाइम फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, एंड अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड इंटू टाइम। और इस क्वेश्चन में हमें निकालनी है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम दोनों हमें गिवन है। तो देखिए डिस्टेंस कितना दिया है हमें, 129 मीटर, एंड टाइम दिया हुआ है 3 मिनट्स। तो अब देखेंगे हम इसकी कटिंग कर सकते हैं, जैसे 3 1s 3 4s कितना आ गया आपके पास, 12 3 3s, देन हमारी स्पीड क्या आ गई, 43। अब आपने ध्यान देना है यूनिट्स क्या होंगे, यूनिट वही होते हैं जो हमारे पास डिस्टेंस एंड टाइम के ऑलरेडी यूनिट्स हैं। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस हमें दिया था मीटर में, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मीटर, 43 मीटर पर मिनट, विच मीन्स कार की या कोई भी व्हीकल से क्या स्पीड है, 43 मीटर पर मिनट, इट मीन्स 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 43 मीटर। अब यहाँ पे देखिए सेकंड पार्ट में हमें स्पीड दी हुई है 40 किलोमीटर पर आवर, एंड टाइम दिया हुआ है 45 मिनट्स, और हमें फाइंड करना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाइड टाइम। अब देखिए जब आप ऐसे फाइंड कर रहे हैं, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में और टाइम हमारे पास मिनट्स में, तो ये सॉल्व नहीं होगा। अगर ये यूनिट्स आवर में है तो आपको टाइम को भी आवर्स में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे करते हैं, टाइम को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए आप टाइम जितने भी मिनट्स दिए हों को 60 से क्या कर देंगे, डिवाइड, बिकॉज 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, और अगर आपको मिनट को 6 आवर्स में कन्वर्ट करना है तो हम 60 से कर देंगे डिवाइड, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर्स होता है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा आवर्स में, हम कटिंग कर सकते हैं यहाँ पे, जहाँ हम सीधा यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो स्पीड लिख देते हैं 40, और टाइम कितना है हमारा, 45/60। अब देखिए यहाँ पे कटिंग हो सकती है, तो यहाँ पे हम कटिंग कर देते हैं, 0 की 0 के साथ कर दी, देन 2 के टेबल में 2 2s 2 3s 3 1s 3 3 1s 3 3 5s 15, यहाँ पे 15 है 15 2s 30। तो हमारा आंसर आ गया 30 किलोमीटर। आपने ध्यान देना है अगर स्पीड किलोमीटर पर आ रहा है तो आपका डिस्टेंस भी किलोमीटर में ही आएगा, और अगर स्पीड आवर्स में है तो आपको पहले मिनट्स को भी आवर्स में कन्वर्ट करना है। अब आप यहाँ पे देखिए डिस्टेंस हमें दिया है 320 मीटर, एंड स्पीड दी हुई है 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे भी ये मीटर्स में है और किलोमीटर पर आवर में है, तो आपको सेम यूनिट में बनाना पड़ेगा। कैसे, बिकॉज आपने टाइम निकाला, टाइम किस में निकालेंगे,
दो तरह के हमारे स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं, एक हमारे पास किलोमीटर पर हम ले सकते हैं, दूसरा मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे अगर स्पीड हमारे पास मीटर पर सेकंड में होती तो हमारा आंसर भी करेक्ट आ जाता है यहाँ पे सेकंड्स में। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारे पास स्पीड दी हुई है 48 किलोमीटर पर आवर और इसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस मीटर्स में दिया हुआ है। तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड कर लेते हैं, टू जीरोस कट गई, देन ये भी टू के टेबल में जा सकते हैं, टू फाइव ज़ा एंड टू यहाँ पे आ गया हमारे पास 18 ज़ा, देन ये थ्री के टेबल में जा सकते हैं, थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री सिक्स ज़ा 18, थ्री सिक्स ज़ा अगेन यहाँ पे आ गया हमारे पास टू के टेबल में, टू एट ज़ा टू थ्री ज़ा, आगे कटिंग नहीं हो रही। तो स्पीड कितनी आ जाएगी आपके पास, एट फाइव ज़ा 40 ओवर थ्री मीटर पर सेकेंड। देखिए हमने अपनी स्पीड को कन्वर्ट कर लिया है मीटर पर सेकेंड में, और डिस्टेंस आपको ऑलरेडी दिया हुआ था किसमें, मीटर में। अब हम फाइंड करते हैं टाइम। तो देखिए टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अब मैं आपको एक बहुत सिंपल सी यहाँ पे हम आप बोल सकते हो इजी सा वे सिखा देती हूँ कि देखिए जैसे हमें डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करना है तो हम 720 डिवाइड बाय ये लिखेंगे, ये ऑलरेडी फ्रैक्शन में है ना। तो कुछ स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि फ्रैक्शन जैसे ऊपर एक नंबर लिखे नीचे दोबारा फ्रैक्शन लिख लो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब आपको ऐसा कोई भी डाउट आता है तो आप इसको इस फॉर्म में लिख लिया करो। देखो हम डिवाइड का साइन डालें या डिवाइड ऐसे लिखें, वन ऑफ द सेम थिंग। तो हम डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड ऐसे साइन डाल देंगे, यहाँ लिख देंगे 720 डिवाइडेड बाय 40 ओवर 3। अब ये सब स्टूडेंट्स को आता है कि फ्रैक्शंस हम सीधी डिवाइड तो नहीं करते, मल्टीप्लाई का साइन बना के यहाँ पे डाल के क्या कर देते हैं, इस साइड को ऑलवेज रेसिप्रोकल। तो यहाँ आ गया हमारे पास 3 ओवर 40। अब कटिंग कर लेते हैं, 4 ज़ीरो एंड 4 वन ज़ा 4, 4 वन ज़ा 4, 3 बज के 32, 4 8 ज़ा 32। अब आपको क्या करना है, 18 को 3 से मल्टीप्लाई, 18 3 ज़ा कितना आ गया हमारे पास, 54 सेकेंड्स। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 54 सेकेंड, विच मीन अगर उस कार की स्पीड 40/3 मीटर पर सेकेंड है तो उसको कितना डिस्टेंस कवर करती है, 720 मीटर इन 54 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3, रोहित कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 140 मीटर विद द स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। देखिए उसकी स्पीड कितनी है, 75 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस उसने कवर किया है 140 मीटर। तो हमारे पास स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी है, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, देन हाउ मच एक्स्ट्रा टाइम विल ही टेक टू कवर अ डिस्टेंस 400 मीटर विद द सेम स्पीड। उसी स्पीड से पहले उसने 140 मीटर डिस्टेंस कवर किया, अगर 400 करना पड़ेगा तो कितना एक्स्ट्रा टाइम लेगा, ये हमें फाइंड करना है। अब यहाँ देखिए हमारे पास स्पीड कितनी दी हुई है, इस क्वेश्चन में डिस्टेंस तो 140 मीटर और स्पीड दी हुई है 75 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। तो आपको बताइए मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई एंड 3600 से डिवाइड। अब इसके हम कटिंग कर लेते हैं, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरोज़ कट गई, देन 2 के टेबल में 2 5 ज़ा 10 एंड 2 18 ज़ा, देन 3 के टेबल में कटिंग हो सकती है, 3 6 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। आगे अब कटिंग नहीं होती, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 5 ज़ा 125 ओवर 6 मीटर पर सेकंड। ये आ गई हमारी स्पीड मीटर पर सेकंड में, और हमें डिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ था। अब हम फाइंड कर लेते हैं टाइम। तो टाइम का क्या फॉर्मूला है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, जहाँ मैंने आपको भी बताया कैसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्म में। ऐसे आप तब लिखा करो जब आपके पास फ्रैक्शन में आ जाए तो आपको इजी लगेगा सम सॉल्व करना। देखिए अब क्या लिखते हैं हम, सबसे पहले डिस्टेंस डिवाइड क्या हो रहा है इसके साथ स्पीड, दैट इज दिस, देन 140 क्या आ जाएगा यहाँ पे, 6 ओवर 125। हम कटिंग कर लेते हैं, देखिए 5 के टेबल में जा सकते हैं दोनों नंबर, 5 2 ज़ा 10, 4 बज के 40, 5 8 ज़ा 40, 5 2 ज़ा 10, 25, 5 5 ज़ा, देन अब आगे कटिंग नहीं हो रही है, हमारी यहाँ पे हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं, 28 6 ज़ा आ गया हमारे पास 168 डिवाइडेड बाय 25। तो यहाँ पे हम अपना टाइम लिख देते हैं, टाइम आ गया, इसको सॉल्व करके हमारे पास 6.72 सेकेंड, इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास ये आ गया हमारा टाइम। अब सेकेंड केस में उन्होंने हमें क्या बोला है कि अगर आपका डिस्टेंस कवर आपने करना है 400 मीटर स्पीड आपकी सेम रहेगी, स्पीड क्या थी हमारी 75 किलोमीटर पर आवर, और अब हमने सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकेंड में, डेट इज़
125 ओवर 6 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमने कन्वर्ट कर ली है तो हम एज इट इज़ वही स्पीड लिख देंगे जो हमारे पास कन्वर्जन के बाद आई है ऑलरेडी, दोबारा कन्वर्ट करने की कोई नीड नहीं है। अब हमें फाइंड करना है टाइम, तो अगेन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम दैट इज़ 400, डिवाइड करना है इसको 125 ओवर 6 के साथ, क्या आ जाएगा 400 इंटू 6 ओवर 125। अब अगेन कटिंग कर लेते हैं इसकी, जैसे 5 के टेबल में 5 8 ज़ा 40, 5 25 ज़ा 5 16 ज़ा 5 5 ज़ा। अब आपको सिंपली टाइम फाइंड करने के लिए यहाँ पे क्या करना है, 16 इंटू 6 दैट इज़ 96 ओवर 5, इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं और डेसिमल में फाइंड कर लेते हैं, हमारे पास आ गया 19.2 सेकेंड। अब देखिए ध्यान से, हमारा आंसर आ गया 19.2 सेकेंड। कितना, कौन सा टाइम है ये जो हमें 400 मीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए लगेगा, एंड जो पहले था टाइम दैट इज 6.272 दैट इज़ फॉर 140 मीटर्स। अब हमें दे बताना था कि कितना एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, तो सिंपली आपको क्या करना है, हमें ये फाइंड करना है कि कितना रोहित को टाइम ज़्यादा लगा सेकेंड जर्नी जो 400 मीटर की है पहली जर्नी से। तो हमें क्या करना है, जो सेकेंड जर्नी वाला टाइम है उसमें से फर्स्ट वाले टाइम को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस करके आ गया 12.48 सेकेंड। तो आप क्या लिख सकते हैं, कितना ज़्यादा हमें टाइम लगा, 12.48 सेकेंड्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, कि विच नंबर, जैसे हमारे पास दोनों यहाँ पर स्पीड्स दी हुई हैं, विच स्पीड इज़ ग्रेटर, 72 किलोमीटर पर आवर या 21 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपल सा वे होता है इसको सॉल्व करने का, कि आपको क्या करना है, दोनों को सेम यूनिट्स में बनाना है, जहाँ हम इसको मीटर पर सेकेंड बना लेते हैं या इसको किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या करते हैं, इसको मीटर पर सेकेंड बना लेते हैं। तो कैसे करेंगे, 72 × 1000, क्योंकि आपको पता ही है जब हम किलोमीटर से मीटर में जाते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं ओवर 3600। देखिए ये कटिंग हो गई यहाँ पे, देन यहाँ पे हम कर सकते हैं 36 1s 36 2s, देन हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी कितना था 21 मीटर पर सेकंड। तो कौन सी स्पीड ज़्यादा है, 21 मीटर पर सेकंड। तो हम यहाँ पे ऐसे बना देंगे और नीचे लिख भी देंगे, 21 मीटर पर सेकेंड इज़ ग्रेटर देन 72 किलोमीटर पर आर। तो आपको, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी हमें ऐसा कोई सम आ जाए तो ये यूनिट्स जो हमारे हैं वो सेम होने चाहिए, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अ जर्नी इज़ कवर्ड इन 3 आवर्स विद अ स्पीड 90 किलोमीटर पर आर। तो 3 आवर्स की जर्नी किस स्पीड पे कवर हो रही है, 90 किलोमीटर पर आर की स्पीड से। व्हाट मस्ट बी द स्पीड इफ़ द सेम जर्नी इज़ टू बी कंप्लीटेड इन 5 आवर्स। तो अब कितनी स्पीड होगी अगर हमें 5 आवर्स में जर्नी कंप्लीट करनी, इट मीन्स डिस्टेंस सेम है। तो आपको एक कंसेप्ट तो आई होप पता ही होगा कि जब भी आप देखिए हम कार कहीं जा रहे हैं, सपोज हम कार की स्पीड इंक्रीज कर दें तो हम जल्दी पहुँच जाएंगे अगर सेम डिस्टेंस कवर करने, और अगर हम स्पीड स्लो कर देंगे तो हम लेट से पहुंचेंगे और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है, देखिए पहले 3 आवर्स लग रहे थे उस जर्नी को कवर करने में 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अब 5 आवर्स में पूरी करनी है तो आपको स्पीड कम कर देनी होगी। अपने जो भी आपके पास जर्नी है, जैसे बाय कार कर रहे हैं या बाय ट्रेन बाय बस जिससे भी कर रहे हैं, तो स्पीड अगर हम उसकी कम कर देंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है कि व्हाट मस्ट बी द स्पीड। तो हमें इतना पता है फाइव स्पीड का जो आंसर आएगा वो 90 किलोमीटर पर आवर से कम ही आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे टाइम कितना दिया हमें, 3 आवर्स और स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम, तो हमने लिख दिया 90 × 3 दैट इज़ आपके पास आ गया 270। हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो किलोमीटर्स में आ गए, स्पीड किलोमीटर पर आवर में थी। अब आपने यही डिस्टेंस कवर करना है कितने टाइम में, डिस्टेंस सेम रहेगा बट टाइम हो गया हमारे पास 5 आवर्स, और अब हमें फाइंड करनी है स्पीड। तो सिंपल सी बात है, स्पीड का फॉर्मूला आपको पता ही है, दैट इज़ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस है 270 जो हमने यहीं पे फाइंड किया है, और टाइम है 5 आवर्स। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 5 5s 25 5 4s 20, तो 54 किलोमीटर पर आर इस स्पीड पे जाएंगे। तो कितने आवर्स लगेंगे, 5 आवर्स लगेंगे 270 किलोमीटर्स को कवर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, अ सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड इन 50 मिनट्स विद अ स्पीड 60 किलोमीटर पर आर, हाउ मच एक्स्ट्रा टाइम विल
बी नीडेड इफ द डिस्टेंस इज केप्ट सेम, डिस्टेंस सेम रहेगा एंड स्पीड हाफ कर दें. पहले स्पीड 60 किलोमीटर पर आ रहा है, अब उसको हाफ कर देंगे मीन 30 किलोमीटर पर आ की रह जाएगी, तो कितना एक्स्ट्रा टाइम लगेगा उसे डिस्टेंस को कवर करने के लिए. तो यहाँ पे देखिए हमने स्पीड ऑलरेडी लिख ली है 60 किलोमीटर पर एंड टाइम भी लिख लिया. टाइम हमारे पास मिनट में है. अगर स्पीड 60 किलोमीटर पर आर है और हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम. तो आपको पहले टाइम को कन्वर्ट करना होगा आर्स में. कैसे कन्वर्ट करते हैं? अगर टाइम को आर में कन्वर्ट करना है तो आपको उसको 60 से क्या करना होता है, डिवाइड. तो ये आ गया आपका आर्स में टाइम. तो स्पीड है 60, टाइम है 50/60, 60 कट गए, डिस्टेंस आ गया 50 किलोमीटर्स. एंड देन अब उन्होंने हमें बोला है कि डिस्टेंस तो हमारे पास आ गया 50 किलोमीटर, अब स्पीड को क्या कर देना है, हाफ. जो हमारी ऑलरेडी स्पीड थी वो क्या थी, 60, उसका हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर. ये है हमारी न्यू स्पीड. अब हमें फाइंड करना है कितना टाइम लगेगा इसमें इसको कवर करने के लिए. तो टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, टाइम फाइंड करने का फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड. 50/30, 0/0 कट गए, दैट इज 5/3. कितना आएगा हमारे पास, ये आवर्स में आया है. और अगर इसी को मिनट्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि 50/3 आवर्स आ रहे हैं ना, तो मिनट्स में हम इसको फाइंड कर लेते हैं कि वैल्यू क्या आएगी. जैसे हमारे पास पहले था 50 मिनट्स, तो मिनट्स में जब हम आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से करते हैं मल्टीप्लाई. देन 3 ones 3 20s 5 20s 100. अब उसको उस जर्नी को अगर आपकी स्पीड हाफ हो गई है तो उसको कवर करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 100 मिनट्स लग रहे हैं. तो एक्स्ट्रा टाइम कितना लगेगा, ये हमें फाइंड करना था ना, कितना एक्स्ट्रा टाइम, कितना मोर टाइम लग रहा है उस जर्नी को कवर करने में. अगर स्पीड को हाफ कर देंगे तो अब लग रहे हैं 100 मिनट्स, पहले लग रहे थे 50 मिनट्स. तो 100 minus 50 कितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है हमें, 50 मिनट्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं सेम जर्नी को कवर करने में व्हेन द स्पीड इज हाफ. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, गीता कवर्स 800 मीटर्स इन 5 minutes एंड हमें क्या फाइंड करना, हाउ मच डिस्टेंस विल शी कवर्ड इन हाफ एन आवर. जैसे यहाँ पे हमने डिस्टेंस भी लिख लिया 800 मीटर और टाइम भी लिख लिया 5 मिनट्स. इसको हम सिंपल यूनिटरी मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं. जैसे हम लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 5 मिनट्स. 5 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 800 मीटर. देन डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना होगा, 800/5. देन डिस्टेंस कवर्ड इन हाफ एन आवर, हाफ एन आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 30 मिनट्स. तो 30 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर होगा, यूनिटरी मेथड आप सबको आता ही है. देखिए 1 के लिए निकालना है, 1 मिनट में निकालना था तो हमने डिवाइड कर दिया 5 से. अब 1 मिनट में इतना डिस्टेंस कवर हो, 30 मिनट्स में कितना होगा, तो 30 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई. अगर 1 के लिए इतना है तो मैनी, मतलब 30 उससे ज़्यादा टाइम आ गया उसके लिए निकालना हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे. अब देखिए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, 5 ones 5 6 30. तो 4 यहाँ पे हमारे पास 8 है, 8 6 48 एंड पीछे 2 zeros. तो ये आंसर किस में आ गया हमारे पास, मीटर में, क्योंकि ऊपर हम मीटर्स में फाइंड कर रहे थे. और अगर आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करके बताना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, 4800 को 1000 से कर देते हैं डिवाइड. ये 2 zeros कट गए, एक डेसिमल आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया 4.8 किलोमीटर. ये डिस्टेंस कवर होगा 30 मिनट्स में, हाफ एन आवर में. अब सेकेंड हमें उन्होंने पूछा था कि आपको क्या फाइंड करना है, हाउ मच टाइम विल शी टेक टू कवर 6.4 किलोमीटर. तो हमें टाइम बताना है 6.4 किलोमीटर कवर करने में वो कितना लेगी. अब यहाँ देखिए 800 मीटर कवर करने के लिए 5 मिनट्स लगेंगे, 1 मीटर कवर करने के लिए कितना लगेगा, 5/800, जो यहाँ पे वही नीचे आके डिवाइड होना है, तो इतने मिनट्स लगेंगे. अब हमें फाइंड करना है 6.4 किलोमीटर, तो 1 मीटर से बहुत ज़्यादा है, इसको कवर करने के लिए मल्टीप्लाई करना है. बट पहले हम इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. देखिए 6.4 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर्स में आ जाएगा. तो डेसिमल कितने डिजिट शिफ्ट करना है, 1 2 3. तो यहाँ पे हमने लिखा 6, 4 को काउंट करते हैं, फर्स्ट डिजिट 4, फिर हमने 2 लगा दी अपनी जीरोस, तो ये आ गया मीटर. और अब हमें क्या देखना है कि अगर 800 मीटर में इतने मिनट्स लग रहे हैं, 1 मिनट में इतने लग रहे हैं, तो इतने मीटर में कितना टाइम लगेगा. तो 5/800 × 6400, 2 zeros से 0s cut, 8 ones 8 8s, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 8s 40
मिनट्स, इट मीन्स आपको 6.4 किलोमीटर या 6400 मीटर कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, 40 मिनट्स। अब हमने अपना क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आई होप सारे स्टूडेंट्स को ये चैप्टर जो हमने आज स्टार्ट किया है स्पीड डिस्टेंस टाइम एक्सरसाइज 12A से क्वेश्चन नंबर 1-7 अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन केस अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो शुरू करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 8 से। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब योर माइंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।